आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मामूली से कमीशन के चक्कर में व्यापारियों का माल मंडी की सड़कों पर किस कदर बिखरा पड़ा है और यहां विचरण करने वाले पशु उसमें मुंह मार रहे हैं, लेकिन इसकी ना तो अधिकारियों को कोई परवाह है और ना ही सरकार को। मामला रेवाड़ी अनाज मंडी का है, जहां पर टेंडर लेने के बाद से ठेकेदार लापता है। ऐसे में व्यापारियों के सामने संकट के बादल मंडराने लगे हैं और उनके सामने एक ही सवाल है कि आखिर वे जाएं तो जाएं कहां। इसे लेकर आढ़तियों का कहना है कि ठेकेदार की मनमर्जी यह है कि वह फोन तक नहीं उठाता। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ है। आए दिन हो रही बूंदाबांदी के चलते व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लालच के कारण दे रहे माल, भेज रहे, ऊपर से बारिश हो रही है रोज, क्या करे, माल पैसा ना दे रहे तो भाई माल खराब हो जाए। तो आढ़ती इसलिए पैसे दे रहे हैं? हाँ, तो सरासर मनमानी है ठेकेदार की? मनमानी है, सरासर की मनमानी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी ना सुने यहाँ। मनमानी कर रहा है, आढ़ती परेशान है, उसके माल नहीं उठा, दूसरी जगह है नहीं माल रखने की। इस जो ठेकेदार ने माल उठाता है वो मनमानी कर रहा है, उसको ज्यादा पैसे दे दे तो उठा ले रहा है, जो आढ़ती उसको ज्यादा पैसे दे रहा है उसका माल उठा रहे हो। ठेकेदार को सरकार पैसे नहीं देती? सरकार पैसे दे रही, लेकिन वो आढ़तियों से पैसा ले रहा है। क्यों दे रहे आढ़ती? इसलिए अगर वो माल उठा ले तो उस जगह में और माल रखवा लो, अब जगह नहीं होगी दूसरा किसान कहाँ माल रखेगा, इसलिए मजबूरी पैसे देने पड़ते हैं हमको। लोगों के साथ बहुत जास्ती हो रही है, मनमानी की जा रही है। ठेकेदार टेंडर लेके चला गया, अपने घर बैठे पांच गाड़ियां छोड़ गया, भाई तेरे को इतने पैसे मिलेंगे और बाकी जो तूने मंडी वाले से उगाने वो उगा ले। 2 रुपए लिए 3 रुपए मांगने लग गए गाड़ी वाले, 4 रुपए मांगने लग गए। अब मोनोपोली बना रखी है लोगों, व्यापारियों की मजबूरी होगी क्योंकि वो गेहूं भेज रहा है, कट्टे खराब हो रहे हैं, पहले भी बारिश आई करोड़ों रुपए का व्यापारियों का नुकसान हुआ। अब लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखे 3 दिन से, बारिश आ सकती है। ठेकेदार को फोन नहीं उठाता, गिने चुने अपने 5-7 आदमियों को गाड़ी देता है, वो भी पैसे गाड़ी जो छोड़ रखी है पैसे लेते हैं, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, मन मर्जी हो रही है। मोनोपोली कोई रहने वाला नहीं, सुबह DM से कहा तो मैं बात करूंगा। वहीं जब इसे लेकर उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गेहूं का उठान लगातार हो रहा है, फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उठान चल रहा है, बल्कि मेरे पास सजेशन ये आ रहे हैं कि बीच में एक दिन परचेज बंद कर दी जाए ताकि जो उठान और परचेज का मिसमैच है वो ठीक हो सके। तो आज मैंने दोनों मंडियां जो है ड्यूटी लगाई है ताकि एक बार से। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान कराता है या फिर व्यापारियों के करोड़ों यूं ही सड़कों पर बह जाएंगे। हरियाणा टुडे के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।